हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल गौरी मिस डिज़ाइनर। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो स्क्वायर नेक वाली ट्रेंडिंग स्लीव्स चल रही है, उसे हमें किस तरह से ड्राफ्टिंग करना है और किस तरह से हमारी जो बॉडी का पैटर्न है वो हमें ड्राफ्ट कटिंग करना है और स्लीव्स का पैटर्न हमें किस तरह से कटिंग करना होता है प्रोफेशनल तरीके से। और एकदम इजी तरीका आपको बताऊंगी जिससे आप कोई भी इस तरह की स्क्वायर नेक वाली पैटर्न की स्लीव्स कट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मान लीजिए ये मैं कपड़ा इस तरह फोल्ड कर रही हूँ। अब हमें स्लीव को इस तरह रखना है। अब इसमें हमें क्या चेंज करना होता है, हमारी जो स्लीव है वो ऊपर से थोड़ी और ऊपर करनी है हमें, क्योंकि ये जो स्लीव है वो सिर्फ शोल्डर तक आती है, बट अब हमें भी शोल्डर से और ऊपर चाहिए ये स्लीव। तो यहाँ पे कितना इंच हमें ऊपर करना चाहिए वो सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैं स्लीव को इस तरह से हमें कपड़े पर रख देना है। डबल फोल्ड कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्लीव बना रही हूँ। आप अगर डायरेक्ट पर कपड़े पर कट करते हैं तो डबल फोल्ड कीजिए। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हमारे इलास्टिक है वो स्लीव में, राइट, यहाँ पर हमें इलास्टिक गैदर्स चाहिए। तो अगर पूरा इतना ही काट लेंगे तो गैदर देंगे तो क्या होगा, इसलिए हमें गैदर्स के लिए सेंटर से पहले तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है। दो से तीन जितना हमें गैदर्स देना है, ठीक है। एक का हमें एक्स्ट्रा रख दिया और स्लीव्स को जैसी है उस तरह से ट्रेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेंथ बढ़ानी होगी। तो लेंथ हम यहाँ पे बढ़ाएंगे 2.5 इंच। नॉर्मली अगर आपको ज़्यादा पफ नहीं चाहिए तो आप 2 इंच इतना, और बट अगर आपको ये जो हमारी मान लीजिए इस तरह से हमारा दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर स्क्वायर नेक वाला जो ड्रेस है ऊपर से इस तरह से दिखता है और यहाँ पे गैदर्स होती है इस तरह फ्रिल्स होती है। तो हमें क्या करना है यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ से 2 से 3 इंच तक हमें एक्स्ट्रा रखना है। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी अगर आपको ऊंचाई रखनी है, ऐसा वाला पफ रखना है, अगर आपको फ्लैट रखना है, अगर आपको यहाँ से पूरा पूरा 2 इंच रखोगे तो यहाँ पर फ्लैट हो जाएगी, बट अगर आपको पफ चाहिए तो पफ में एक्स्ट्रा लेंथ होगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो लेंथ बढ़ानी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पर हम लेंथ एक्स्ट्रा रख रहे हैं कम से कम 2.5 से 3 इंच। यस, 2 से हमें 3 इंच तक लेंथ रखनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ की जो चौड़ाई होती है उसे मार्क करना है। तो उसे हम मार्क करेंगे यहाँ पर 6 इंच, 6 से 6.5 इंच। फिर हम यहाँ से इसको इस तरह मिला देंगे। तो इस तरह से होती है हमारी ऑफ स्लीव वाली कटिंग। बट इसको अभी हमें कटिंग नहीं करना है, पहले मैं आप लोगों को बीच वाला समझा दूँ, उसके बाद हमें वो कट करना है। तो बीच वाले के लिए फ्रंट और बैक का पार्ट आपको इस तरह से रेडी रखना है, जो आप कुर्ती में कटिंग करते हो वही यूज़ कीजिए। तो ये फ्रंट है हमारा मेरा और ये बैक है। तो अब इसे हमें इसमें हमें क्या करना होगा, इसको हमें हमारे कपड़े पे ट्रेस कर लेना है। फ्रंट में मैं आपको दिखाती हूँ और बैक का भी दिखाती हूँ। तो फ्रंट में यहाँ पर हमें जितनी नेक की डीपनेस चाहिए, जितना हमें नेक डीप चाहिए यहाँ से उतना हमें माप लेना है और इतना सिंपल यहाँ से रख लेना है। मैं 7 इंच रखती हूँ। फिर यहाँ से भी हमें माप लेना है कि हमें कितना इंच बॉडी पे हम माप लेंगे, हमारे शरीर पे ही कितना इंच नीचे रखना है। तो मुझे यहाँ 4.5 इंच तक नीचे रखना है, तो मैं यहाँ से इस तरह शेप बना दूँ। अब यहाँ से लूज़ ना हो जाए मेरा टॉप बीच में से, इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से 1 इंच अंदर जाके माप करूँगी। या फिर आप बॉडी पर माप सकते हो कि यहाँ से आपको कितना इंच चौड़ा चाहिए ये वाला पार्ट। मुझे यहाँ पे
सेंटर से 10 इंच चाहिए तो मैं सॉरी 9 इंच चाहिए तो मैं 4.5 में माप कर लूँगी, या फिर अगर सिंपल आपको ये सब नहीं मापना तो या फिर यहाँ से 1 इंच आप ले सकते हो और यहाँ पर इस तरह हम कट कर देंगे। बैक में भी इसी तरह जितना आपको डीप रखना है उतना माप कीजिए, साइड से 1 इंच अंदर ले जाके कट कीजिए। 1 से 1.5 इंच तो हमें अंदर जाना ही होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा कट हो जाएगा। यहाँ मैंने बिना सिलाई के साथ रखा है और स्लीव मेरा सिलाई के साथ है, ठीक है। तो 2 इंच यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड करूँगी क्योंकि 1 इंच तो इसमें से लूजिंग का हो जाएगा और 1 इंच जो है वो स्टिचिंग का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी कटिंग होगी। उसके बाद हम यहाँ से हमारा पार्ट कट कर देंगे। तो ये मेरा हो गया आगे का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लीव हम इसमें जोड़ेंगे। यहाँ पे मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा देना है कपड़े पे, अभी मैंने नहीं लिया है तो यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रख के मैं यहाँ पे आर्म होल मापूँगी। तो आर्म होल मेरा यहाँ पर आ रहा है 6.5 इंच, 7.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप होना चाहिए 7.5 इंच। ये जो स्लीव का भाग है यही तो हमारे आर्म होल में जॉइंट होने वाला है, राइट। तो यहाँ से हम 7.5 इंच यहाँ पर देखेंगे ये है या नहीं, इस पॉइंट से देखना है, इस पॉइंट से नहीं। 7.5 इंच तक चाहिए मुझे तो मैं 7.5 पर मार्क कर लूँगी यहाँ पर और बाकी का पार्ट इस तरह कट कर लूँगी। यहाँ पे मुझे मेरे साइड में यहाँ पे 2 इंच स्टिचिंग का एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये साइड सिलाई है, हमें इधर लिख लेना है और ये नेक वाला साइड है। यहाँ 2 इंच मुझे कपड़े पे एक्स्ट्रा रखना, मैंने मार्जिन ऐड नहीं किया हुआ है पेपर में, बिना मार्जिन के मैंने कटिंग किया था। स्लीव मेरा मार्जिन के साथ, स्लीव हटा देती हूँ और ये कट कर लेती हूँ। और ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ से। ये हमारी स्लीव हो गई, ये बीच वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर मुझे 2 इंच का स्टिचिंग का ऐड करना है, वो मैं ऐड करूँगी यहाँ से। तो मेरी स्लीव इस तरह दिखी। और मैं इस तरह मेरी स्लीव दिखेगी, यहाँ पे इलास्टिक आ जाएगा। इस तरह का एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है वन पीस का, आप वो देख सकते हैं। तो इस तरह हमारी ये स्लीव की ड्राफ्टिंग होती है, बहुत ही इजी तरीका है। बस स्लीव में यहाँ पर पफ गैदर के लिए यहाँ पे थोड़ी चप फ्रिल्स आएंगी तो इसके लिए मैंने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा। लेंथ बढ़ाई और आर्म होल मैच करना है और इस तरह से हमारी स्लीव ज्वाइंट हो जाएगी इसमें। तो फ्रंट कटिंग कर लेंगे 2 इंच सिलाई को ऐड करके और स्लीव मेरी ऐसी रहेगी।